बाहरी दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों मंगोलपुरी इलाके में हत्या के मामले को सुलझाते हुए एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीते 19 दिसंबर की रात को राह चलते शख्स का कंधा टकराने से आरोपी ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे अमरदीप और सागर पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें अमरदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी और सागर का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को वारदात के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। दिल वालों को दिल्ली कहे जाने वाले राजधानी दिल्ली में मानो लोगों के अंदर दिल बचा ही नहीं है। दिल्ली वालों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि मामूली से विवाद में भी लोग सामने वाले शख्स की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। पुलिस ने ऐसे ही एक मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने मामूली से विवाद में राह चलते शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल पूरा मामला बीते 14 दिसंबर की रात का है, जब अमरदीप और सागर मंगोलपुरी एन ब्लॉक से गुजर रहे थे। उसी दौरान मुकेश वहां से गुजर रहा था, तभी अमरदीप का कंधा मुकेश से टकराया और इनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। अमरदीप शांत होकर वह से चला गया, लेकिन एक बार फिर घर के पास इनकी बहस हुई और फिर मुकेश ने 2 साथियों के साथ मिलकर अमरदीप और सागर पर चाकुओं से वार कर दिया। इस घटना में अमरदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सागर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। एल ब्लॉक की नवंबर ब्लॉक की एक मार्केट है, एन ब्लॉक की, उसमें एक चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें 2 लड़के इंजर्ड थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि दोनों इंजर्ड को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जिसमें से एक इंजर्ड अमरदीप की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी और सागर को इलाज में रखा गया था। इस घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम के आसपास के एग्जामिन किए गए थे। उस एग्जामिनेशन में ये सामने आया कि इन 2 लड़कों का, जो दोनों विक्टिम और डिजीज्ड हैं, इनका झगड़ा किन्हीं 3 लड़कों से हुआ था। झगड़े की शुरुआत चश्मदीदों के हिसाब से भी और जो सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए गए उनके हिसाब से भी पैदल जाते हुए आपस में कंधा टकराना या बाजू टकराने से शुरुआत हुई थी। और इनिशियली ये भी देखा गया कि पहले पहल इस झगड़े का निपटारा भी आपस में इन लोगों ने कर लिया था। उसके बाद ये 3 अक्यूज्ड उसी मार्केट के पास, एक इनमें से एक का घर है मुकेश का, उसके घर चले जाते हैं। तब तक मैटर का निपटारा हो चुका था, लेकिन ये 2 विक्टिम जो हैं, ये 2 और अपने अन्य दोस्तों को लेकर उसी सड़क के बाहर, रादर उस गली के बाहर मौजूद थे। ये 3 अक्यूज जब घर से निकलते हैं, उसके बाद फिर से वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। उस झगड़े में चाकूबाजी हुई, इसमें अक्यूज की तरफ से स्टैब किया गया 2 विक्टिम पार्टी को, जिनमें से एक अमरदीप की बाद में डेथ हो जाती है और दूसरा इलाज में रहा लड़का अभी डिस्चार्ज है। इसमें इस पूरे घटनाक्रम में 3 अक्यूज आइडेंटिफाई करे गए और अरेस्ट किए गए। इनमें सबसे पहले एक लड़का रोहित आइडेंटिफाई हुआ था, जिसको अरेस्ट किया गया। रोहित को 15-16 को अरेस्ट किया गया था। 15-16 तारीख को अरेस्टिंग के बाद उसका PC रिमांड लिया गया था। उसने अपने बाकी 2 दोस्तों के नाम बताए, जिनमें एक का नाम मुकेश और दूसरे का नाम रौनक था। रोहित प्राइवेटली काम करता है, 21 साल इसी एज है। इसने ये घटनाक्रम बताया कि उस दिन मुकेश, जो इसका मित्र है, उसने इसको फ़ोन करके बुलाया था काम के बाद, शाम को 6:30-7 बजे के आसपास। थोड़ी देर ये मार्केट में भटकते रहे, उसके बाद ये मुकेश के घर किसी काम से जा रहे थे। उसी जाने के दौरान इनका कंधा टकराया किन्हीं 2 लड़कों से और उसमें वहाँ थोड़ी बहुत मारपीट इनकी आपस में हुई। इस बात की तस्दीक CCTV फुटेज से हमें हुई है कि वहाँ पर कुछ झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, 4-5 लड़कों के ग्रुप में। इस घटनाक्रम के बाद, रोहित की गिरफ्तारी के बाद लगातार दबिश जारी रही बाकी 2 लड़कों की गिरफ्तारी के लिए, जो आइडेंटिफाई भी हो गए थे, रौनक और मुकेश। मुकेश का घर घटनास्थल के बहुत नज़दीक है। मुकेश ही है जिसके घर से ये घटना में प्रयुक्त हुआ चाकू लिया गया था। स्टैबिंग इनिशियली रौनक ने करी थी, उसमें मुकेश का भी हाथ रहा। मुकेश के खुद के भी बाँह पे इसी स्टैबिंग के दौरान माइनर एक इंजरी भी आई है। बाद में ये दोनों लड़के कल अरेस्ट हुए हैं मंगोलपुरी एरिया से ही। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि इनके पास करीब 1000-1500 रुपये ही थे। ये कहीं दूर भी नहीं भाग पाए और लगातार, क्योंकि इनके
रिश्तेदारों और दोस्तों के ठिकानों पर पुलिस पहुंच रही थी, तो इसलिए इन्होंने किसी से मदद मांगनी भी उचित नहीं समझी। ये जानकारी इन लोगों को अगले दिन अखबार के थ्रू हुई थी, जिसमें इन्हें ये पता लगा कि जिन लड़कों के साथ इनका झगड़ा हुआ था उनमें से एक की डेथ हो गई है और दूसरे को काफ़ी गंभीर चोट आई है और वो अस्पताल में उपचाराधीन है। मुकेश और रौनक दोनों प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं। रौनक इनफैक्ट ये पोस्टर वगैरह चिपकाने का काम करता है और मुकेश पार्ट टाइम ड्राइवर भी है। घटना जिस दिन हुई है उस दिन मुकेश ने अपने दोस्तों के लिए कोई पार्टी रखी थी। उस पार्टी में कुछ अन्य लड़कों के साथ ये मंगोलपुरी में ही एक जगह से शराब पीकर घर की तरफ वापस चले थे। रास्ते में मुकेश ने फ़ोन करके रोहित को बुलाया था। घर जाने के दौरान ही सड़क पर कंधा लगने के ऊपर जो कहासुनी हुई उसमें मारपीट हुई, उसके बाद ये लोग मुकेश के घर चले जाते हैं। जो विक्टिम पार्टी के लड़के हैं वो अपने दो दोस्तों के साथ वहीं सड़क पर भटक रहे थे। जब वो वापस मुड़ रहे थे तो इन तीन लड़कों ने उनको स्पॉट कर लिया। फिर वहाँ तूतू मैमे हुई, हुज्जत हुई, उसके बाद हाथापाई हुई, फिर उस स्कफल में इन लोगों ने उनको स्टैब किया। जो इंजर्ड या डिसीज्ड है, डिसीज्ड अमरदीप काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था, फादर उसके प्राइवेट एम्प्लॉई हैं और पार्ट टाइम वर्कर हैं। अपने फादर की इनकम सप्लीमेंट करने के लिए प्लस अपने करियर को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, इज ए स्टूडेंट ऑफ BA सेकेंड ईयर, वो पार्ट टाइम प्राइवेट ट्यूशंस भी कर रहा था और UPSC का खुद भी एस्पिरेंट था और बच्चों को भी, आसपास के इलाके के बच्चों को भी UPSC की शिक्षा देने के लिए, ना सिर्फ वो एक YouTube पे ब्लॉग चला रहा था बल्कि प्राइवेट ट्यूशंस भी दे रहा था।